एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली में आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपके बारे में क्या बताते हैं, बात करते भी हैं या नहीं। ओके, जो एक जर्नल रीडिंग होगी सभी जोडियक साइन के लिए और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में आ सकें। ओके, ओके, कुछ सिचुएशंस भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। ओह, एक कार्ड और लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखिए अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या बातचीत कम हो रही है तो बातचीत तो होने लगेगी आप दोनों की एक दूसरे से यहाँ पर, ठीक है, बातचीत तो होगी यहाँ पर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी ख़त्म होते हुए मुझे लगता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उन अपने आसपास के लोगों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। लेकिन ना कुछ कार्ड्स और मिलूंगी यहाँ पर। देखो, हो सकता है आपने इस पर्सन से सोशल मीडिया के थ्रू डेट करना शुरू किया है। ओके, तो थोड़ी अवेयरनेस ज़रूरी है, ये रियलिटी क्या है इस पर्सन की थोड़ा जान लेना। ओके, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। ओके, देखो ये पर्सन ना दूसरों से आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है इन दिनों में, अपनी हर एक बात रिलेशनशिप की अपने आसपास के लोगों को बता रहा है। इसने क्या गलती की है वो भी बता रहा है, आपसे कितना प्यार करता है वो भी बता रहा है। यहाँ पर इसने रिसेंटली किसी से शेयर किया है कि इस पर्सन ने किसी को सोशल मीडिया पे या फिर वैसे ही डेट करना शुरू किया था और किस प्यार भी बहुत था इस पर्सन के दिल में। ये भी कह रहे हैं कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अब भी, लेकिन जो इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई उसकी वजह से आप दोनों का कुछ ईगो इशू हुआ, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा या तो इंसल्ट कर दिया या कुछ भी। कि यहाँ पर ये पर्सन दूसरों से ये भी बता रहा है कि इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया। ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा और लंबे समय तक चल सकता था, लाइफ टाइम चल सकता था। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते थे, मतलब आप दोनों की कुछ चीज़ें सेम थी। और अगर एक दूसरे के साथ आप दोनों कहते हैं ना कुछ आदतें अगर अलग भी थी तो आप लोगों को लगता था कि चलो हम अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है। ख़ासतौर पे आपकी एनर्जीज थी कि आप अपने आप को सोचते थे हम चेंज करेंगे खुद को और साथ में रहेंगे कुछ, क्योंकि एक कपल की भी एनर्जी आई है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी भी दिख रही है मुझे, क्योंकि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब करके गया था और ये चीज़ें ये अपनों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहा है कि इतना प्यार होने के बाद भी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी तारीफ़ इतनी कर रहा है कि आप अब भी इसको प्यार करते हो, अब भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो इतनी दूरियाँ होने के बाद भी। इसने बुरा किया आपके साथ फिर भी, लेकिन ये सब चीज़ें छोड़कर अब आपकी तरफ एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन भी लेगा। मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की तरफ से। ओके, ये वापस आने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा है कि आपकी तरफ वापस बढ़ेगा और इसको कोई ना कोई तो कह रहा है कि आप इसको वापस आपके पास आना चाहिए। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ जल्दी एक्शन लेते हुए दिख रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है आपके बारे में, प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे इस पर्सन को, ये सब बातें ये कह रहा है आपसे। लवर्स का कार्ड आया है टू ऑफ कप्स के साथ, ठीक है।
ये एनर्जी इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है, ये दूसरों से आपके बारे में बातचीत करते हुए दिख रहा है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, सिर्फ पॉजिटिव रह के अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।